अल्लामैक्कम वउबिलैन रज़ीम बसम सल महदूल आल महमद कमलैब्राहिम उलब्रिम नकमीद्लमबारक महमद इला महमद कमाबारक तब्राहिम उल आलब्रैमीद अउबिल्ल मिन शैतान रजीम बिसम्ल रन रही आज हम गुफ्तगु करेंगे एक जामफ़वाद स्टार के बारे में जिसे सूरज कहा जाता है जिसे शम्स कहा जाता है जिसे आफताब कहा जाता है और जिसे सूर्या कहा जाता है जिसे सोलर सिस्टम का मरकज़ी स्टार कहा जाता है सोलर सिस्टम जिसके अंदर हमारी अर्थ हमारी अर्ज़ हमारी जमीन मौजूद है अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को आबाद करने के लिए रौनक बख्शने के लिए और निज़ाम हयात चलाने के लिए सूरज को बनाया सूरज या सन उससे निकलने वाली कुवत वाइटल फोर्स कहलाती है ये अजसाम को अजसाम मेरी बात को समझने की कोशिश करें अजसाम को बॉडीज़ को ताकत फराहम करती है चाहे वो हों, चाहे वो हैवानात हों चाहे वो जमादात हों चाहे वो निबात हों इंसान अगर बढ़ता है इंसान को ताकत चाहिए तो सूरज की रोशनी से वो ताकत मिलती है सूरज के नूर से वो ताकत मिलती है अगर प्लांट्स पेड़ पौधों को हजरात शजरात शजरात को शजर को दरख्तों को ट्रीज़ को ताकत चाहिए जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है जिसके ज़रिए वो खाना पकाते हैं अंदर उनका जो सिस्टम की एनर्जी बनती है उनकी वो सोलर सिस्टम सूरज की रोशनी से बनती है फ़ोटोसेंथेसिस और अगर इंसान और दरख्तों के अलावा अगर हम देखें स्टोन्स को रॉक्स को तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स बनते हैं जो स्टोन्स बनते हैं गोल्ड हो सिल्वर हो कापर हो या दीगर चीज़ें बनती हैं जिस नेचुरल प्रोसेस से गुज़रती हैं जिस फिन मेथड से वो गुज़रते हैं और वो बनते हैं तो उसमें भी सूरज की रोशनी का अमल दखल है हजरात जो आप लोगों को एक आम पत्थर होते हैं उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो याकूत मरजान, हीरा, पन्ना ऐसे ऐसे इस्टोन्स बर्थ इस्टोन्स जिनके हमें नाम भी मालूम नहीं वो भी वहाँ पे बन जाते हैं इन सब चीज़ों के तबी फवायद भी हैं मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं और उनके कुछ जो हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं स्टोन्स के अंदर मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं आप उनके कुछ ताजात खा सकते हैं वो आपके बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो सोलर सिस्टम के अंदर सूरज की इतनी ही बड़ी अहमियत है सिग्निफिकेंस है कि ये हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे या एंशंट इरा में जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि लोगों ने सोलर या सन सिस्टम में सूरज की जो खूसियात हैं सूरज की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो जानते थे उसको मालूम किया और फिर उस वाइटल फोर्स या यावत हयात को एब्ज़ॉर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मशकें जो हैं हैंसरसाइजेज़ की। मिसाल के तौर पे सूरज की तरफ देखकर ध्यान के साथ किसी इसम आज़म या इसम को पढ़ना या कुछ लोग जो सिर्फ़ पढ़ते थे कुछ लोग सिर्फ़ उसकी तरफ़ देखते थे और ये मश्क़ पुराने दौर से चली आ रही है और आज तक मुख्तलफ़ रिलीजन्स के अंदर इस मश्क़ को किया जाता है वो और उनमें उन और हम में कितना फ़र्क है क्योंकि वो भी उनके जो थे फ़रिश्तों को जानते थे उनके मोकलात को जानते थे और फिर इमराज़ जो इमराज कहना या कम्प्लिकेटिव हेल्थ कन्डीशन्स होती थी उनको ठीक करने के लिए उन वेव्स या फोर्सेस को वाइटल फोर्सेस को या एनर्जी को इस्तेमाल करते थे जिससे बेहद लोगों को फ़ायदा हासिल होता था क्योंकि एक किस्म की ताकत उनके अंदर दाखिल होती थी यहाँ पे मैं अगर और थोड़ी तफसील बता दूँ कि कुछ लोगों ने सुन के किया कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल सीख के किया अपने इस के साथ किया अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें मिसाल के तरफ़ सूरज की तरफ़ देखना तो अगर कोई आदमी आम तौर पे बग़ैर उस्ताद के विदाउट टीचर विदाउट मास्टर विदाउट टीचर विदाउट उस्ताद विदाउट गुरु अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो उन लोगों को आँखों की बिनाई ज़ायल होने का ख़तरा होता है या उनकी जो है नज़र ख़त्म हो जाती है आईसाइट उनकी चली जाती है तो इस तरह से इनको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए अब आते हैं इनकी सूरज की क़त से इंसान कैसे फ़ायदा हासिल करे बग़ैर पढ़ाई के कोई आपको पढ़ाई नहीं आती कुछ भी नहीं आता तो सुबह सवेरे सूरज की जो पहली किरणें निकलें उनके सामने आप जो हैं अपनी शर्ट उतार के बैठ जाएं और सूरज की तरफ आपका रुख हो तकरीबन पंद्रह मिनट से थर्टी मिनट्स तक के ये आप वहाँ पे बैठेंगे तो भी आपके अंदर वो जो सन रेज़ होंगी उनकी पावर मुंतकिल होगी उसमें हीटअप नहीं होता बल्कि शुरू में जो सूरज की पहली किरणें होती हैं सनलाइट जो शुरू में आती है जो फर्स्ट टाइम सूरज से निकलने वाली लाइट होती है उसमें कोई जलाने की क़त नहीं होती है बल्कि उससे आपके जिसम में एक किस्म की तोनाई भरती है वो लोग जो लाइलाज इमराज का शिकार हैं मुख्तलफ़ के अमराज हैं वो इस मश्क को अगर करेंगे तो उनको आसानी होगी और अगर औरत है तो उसको शर्ट वग़ैरह उतारने की ज़रूरत नहीं है उनको बिल्कुल हो के सूरज के की जो सनलाइट है उसमें बैठना है सुबह सवेरे सूरज की पहली किरणों के अंदर पंद्रह से बीस मिनट या आधा घंटा के अंदर ये आप प्रैक्टिस करें इससे आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोग किसी भी रिलीजन से आप लोगों को इससे शफा हासिल होगी अब आते हैं इसकी और प्रैक्टिस करना वो प्रैक्टिस क्या है अपने अंदर सूरज की जैसे ही पहली करने पड़ें आपको एक बड़ी सांस खींचनी है इस तरह से अपने नाक में नाक के जरिए टेक अ ब्रेथ बाय नोज़ और वो बड़ा सांस हो और उस हवा को अपने अंदर स्टोर करें अपने लंग्स के अंदर फिर उसको आहिस्ता आस्ता से रिलीज़ करें इस मश्क़ को दस पंद्रह बीस मरतबा कर लें आहिस्ता आहस्ता तो आपके लंग्स में अंदर वो एनर्जी वो पावर दाखिल होगा और आपके जिसम से अमराज ख़बीसा बहुत सारी तकालीफ़ जिनका आपको मालूम ही नहीं होगा वो रिलीज़ हो जाएंगी और इस मश्क़ को मख्तल किस्म के रिलीजन्स के लोग पहले ही करते आते हैं ये नहीं है कि सिर्फ़ हम लोग बल्कि बहुत सारे लोग करते रहते हैं सूफिया कराम भी इसी मश्क को करते हैं सूफिया कराम सुबह सवेरे जब पहले पहले नमाज फजर अदा करते हैं तो नमाज फजर अदा करने के बाद क्या वक्त होता है ज़िक्र करने का और ज़िक्र में क्या करते हैं मुराकबा करते हैं ध्यान करते हैं मिसाल के तौर पे आप ज़िक्र कल भी कर रहे हैं अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो और ये सांस के ज़रिए होता है जब अ करेंगे तो सांस को अंदर खींचेंगे और जब हु हो करेंगे हो हु नहीं बल्कि हो अल्लाह हो तो इस मश्क़ को उसी वक्त करते हैं ये होता है रोज़ाना की उनकी रूटीन ये मश्क़ एट लीस्ट शेख जो होता है या जो मुर्शद होता है वो अपने मुरीदीन के साथ आधा घंटा तक करता है फिफ्टीन मिनट से आधा घंटा तक करता है ताकि उनको मालूम हो जाए कि मुराकबा किस तरह किया जाता है और उनको एक तरतीब का पता चल जाए ज़िक्र क्लब जारी करने के लिए पहले पहले जब वो मुरीद करते हैं तो उसके बाद मुरीदीन को जब वो तरबियत होती है तो वहाँ पे हल्का में बैठें या बग़ैर हल्का में बैठें ये शर्त नहीं है बैठ के मुरीदिन को बिठा के ज़्यादा तादाद होती है तो हल्का नहीं बन सकता जगह कम है या कोई मसला है तो फिर उसी जगह पे मस्जिद के सैन में जो है ख़ाली जो सैन होता है जहाँ पे सनलाइट आती है किसी दरबार या दरगाह पे जो कदीम हुआ आप जाएंगे तो मस्जिद के साथ एक सहन होता है एक यार्ड होता है जहाँ पे आप बैठ सकें और वहाँ पे सनलाइट गिरती है वो वहाँ पे ध्यान करते हैं इसी तरह साधु लोग योगी लोग जो हिमालय की पहाड़ों पे होते हैं या कहीं और गुफाओं या केव्स में रहते हैं वो भी वहाँ पे ये मशक़ सुबह सवेरे करते हैं और सनलाइट के बाहर चले आते हैं तो सनलाइट की इतनी बड़ी पावर है अब हम आपको बताते हैं कि ये सूरज जो है ये इंसान की बदन को ताकत देता है इंसान के जिस्म को ताकत देता है बाडी को ताकत देता है तो कराम ने इसके लिए जो है शिफा इमराज़ के लिए जो अजकार तरतीब दिए हैं जिससे आप लोग ख़ुद भी ठीक रह सकेंगे और दूसरों का इलाज भी करने की एहलीत हासिल कर सकते हैं ये आपकी मश्क प्रैक्टिस के ऊपर है तो वो है हज़रत हज़रत ईसा आलात वसलाम पे नाजिल किया गया इसमें आज़म ला लाला ईसा ला रूहुल्लाह ये कलमा तया से मंसूबे और ये इबारत भी इसी सूरज के तसरफात हासिल करने के लिए होती है और इसमें आज़म जो है या है्य या क्यूँम या है या क्यूम या है्य या कयम है अब सूरज की नहुसत जिसमानी इमराज कमज़ोरी पे बेपनाह जितने भी आमलिन इलाजात करते हैं वो शहनशाह बक्तानोश को यूज़ करते हैं बशहनशाह बगतानोश का, का नाम जो है बकतानोश है और उसका जो लकब है जो उसका टाइटल है वो है सरख मलूक तो शहनशाह बगतानोश सुरख ताजल मलूक जो है वो मातहत है अ, मल मजहब अल मजहब मोकल के और अल मजहब मोकल जो है वो मातहत है रूक़ अलमोकिल यानी रूक़ अम फ़रिश्ते के नाते थे और रुकिया जो है ये सूरज का जो है फरिश्ता है और इसे हिंदू लोग जो हैं सूरज का देवता कहते हैं या सूरज सूरज का देवता जिसे समझते हैं वो यही रुकियाँ है ये अलग बात है कि लोगों ने उनकी शक्लें या तस्वीर बना के पूजना या उनका जो कार है वो डिफ़रेंट है लेकिन इस्लामिक वेव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सलाम जो है इसको कुदरत ने ऐसी तसरफात अता की है कि शिफाए इमराज में जादू को ख़त्म करने के लिए जिनात के इलाज के लिए शहर व जादू को बातल करने के लिए सब किस्म के इमराज को ख़त्म करने के लिए सलाम को ये पावर अता की गई है उनके तसरफात सूरज के जो तसरफात हैं उनको मिले हुए उनकी की जो है उनकी चाबी जो है उनके हाथ में दी गई है सूरज क्योंकि मरकज़ी स्टार है सोलर सिस्टम कहलाता है अब सूरज के मातहत अलमब अलमजहब के मातहत जो है बक्तानोश है तो इन इनकी इनकी इबारतें इनको जब कसम दी जाती है अल्लाह ताला के असम की तो वो, वो आप लोगों के लिए उनका जो आपका जो काम होता है वो करते हैं तो इनकी इबारत बनती है अजब या रुकियाल या अलमजहब या या अलमजहब बहकिया या, या कईम यहाँ तक भी होती है लेकिन अगर आप शहनशाह जिनात से काम लेते हैं तो फिर आप कहेंगे अजबिया बकतानोश बहक याह या कहीं तो यहां सिंपली इस इबारत तक भी बकतानोश काम करता है और अगर आप इस इसम आज़म को देखेंगे तो ये इसम आज़म कुरान मजीद में आयतल कुर्सी के मातहत आता है आयतल कुर्सी के अंदर आता है आयतल कुर्सी में पोशीदा है समझो उसका हिस्सा है उसका जुज़ो है तो उस कुर्सी के अंदर जो आयतें हैं उसमें अल्लाह अल्लाकयूम है अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं अजब्याक्याल बेहक अल्लाहयम तो भी ठीक है अजब्याक़्याल या अलमहब बिहक अल्लाह ललहम तो भी ठीक है अजबिया अजबिया बक्तानोश बेहकम तो भी ठीक है अगर मुकम्मल आयतल कुर्सी का ता, वास्ता देते हैं तो भी ठीक है तो इस तरह से फिर ये जो आयतल कुर्सी है ये आपके तसरफात में भी आ जाती है और इसमें आज़म की बरकत से वो जो मातहत मखलूक हैं वो आप लोगों को काम करते हैं और आप लोगों की जायज़ हाजात ये गलत फहमी में न रहना कि इनसे कोई गलत काम लिया जा सकता है क्योंकि ये मुकदस फरश्ते होते हैं मुक़दस जिनात होती हैं वो जो पाकिज़ा हों जो अच्छे काम करते हों ये वो होते हैं शहनशाह बकना बकतानोश जो है वो अच्छे काम करता है आप लोगों की भलाई कर सकता है बुराई नहीं करेगा तो इसी तरह जो रुकिया इस्लाम है उसका भी यही काम है बक्तानोश का भी यही काम है तो ये सुरख जन्ात का जो ही है ये बादशाह है जिसे सुरख जन्नात कहा जाता है तो इनका काम है आप लोगों के ऊपर जो बिना जन्ात हैं जो बदसरात हैं उनको ख़त्म करना तो अब आते हैं दूसरी पोजिशन दूसरी तरफ के इस कुवत को किस पैगंबर को अता किया गया था तो इसकी जो वाइटल फोर्स की जो फुल पावर की थी चाबी थी वो हज़रत ईसा रूहल्लात वसलाम को अता की, की गई थी जीसस द क्रिस को और जीसस द क्रिस इस वजह से उस नूरानी ताकत पावर जो उसको तसरफ में था तो मुर्दों को ज़िंदा करता था बीमारों को शफा होती थी जिनात वालों के जिनात निकाल के पिक्स में ट्रांसफ़र करता था तो अब आप समझ जाएं कि ये कितनी बड़ी पावर है इस इसम आज़म को सिलसिला कादरिया में भी पढ़ा जाता है इस इसम आज़म को सिलसिला नक्शबंदिया में भी पढ़ा जाता है और इस इसम आज़म को बड़े तरन्नम के साथ सिलसिला चश्तिया में भी पढ़ा जाता है और इस इसमें आज़म को सहरवर्दिया में भी पढ़ा जाता है तो सिलसिला कादरिया और सहरवर्दिया और चश्तिया दोनों में इसको ख़ास तौर पे पढ़ा जाता है और इसकी नूरानियत और बरक़ात के फ़वाद से तसरफात या नूर शमसी इंसान के अंदर जब मुंतकिल होता है तो तमाम इमराज बुराइयाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं खुदाफिस